नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। कुंडली में राहु केतु बनाते हैं राजयोग, जानिए कैसे। जब किसी कुंडली में राहु केतु विशेष राजयोग बनाते हैं तब वे अपनी महादशा और अंतरदशा में अपना शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। इन राजयोगों से बनने की 3 अवस्थाएं हैं। जब कभी राहु या केतु केंद्र भाव में विद्यमान हो और कुंडली से त्रिकोणेश में संबंध बनाए। जब कभी राहु या केतु केंद्र या त्रिकोण से अन्य किसी स्थान में विद्यमान हो और कुंडली के केंद्र देश या एवं त्रिकोणेश दोनों के संबंध में हो तो राजयोग बनता है शुभ योग। लग्न का स्वामी जिस राशि में हो उसका स्वामी उच्च राशि में हो अथवा लग्न का स्वामी जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी चंद्र से केंद्र में हो तो आजीवन सुखी योग बनता है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली में से किसी में भी उपयुक्त योग का विचार करना चाहिए। लग्न में मेष, सिंह, धनु राशि का मंगल स्थित होकर मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो वह स्वधनोपार्जन कर धनी होता है। तृतीय में सूर्य नवम में, चंद्र पंचम में गुरु हो तो महाधनी योग बनता है। चंद्र से अथवा लग्न से 6, 7, 8वें भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र क्रमशः स्थित हो अथवा एकत्र स्थित हो या दो स्थानों में ही स्थित हो तो नृप तुल्य योग अथवा बहुत बड़ा जमींदार होता है। यदि चंद्र धनु राशि का हो तो षष्ठ में शुक्र, सप्तम में बुध, अष्टम में गुरु स्थित होने से बहुत उत्तम योग बन जाने से सर्वोत्तम अधियोग बन जाता है। जन्म लग्न कन्या हो और चंद्र धनु राशि में हो तो चंद्र से 6, 7, 8 भाव में क्रमशः शुक्र, बुध और गुरु ग्रह की स्थिति होने पर यह अधियोग बन जाता है। जन्म लग्न से अधियोग का विचार करने पर धनु लग्न में 6, 7, 8वें भाग स्थित ग्रह क्रमशः शुक्र, बुध और गुरु होने से यह अधियोग अधम अधियोग बनता है, क्योंकि जन्म लग्न से शुक्र षष्ठ में और गुरु अष्टम में हो जाते हैं। 6, 8, 12 भाव के स्वामी परस्पर अन्योन्य राशि में हो अथवा स्वराशि में स्थित हो, इस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं हो तो विपरीत राजयोग बनता है। ये योग धन, यश, पदवी, राज्याधिकार आदि उपलब्ध करवाता है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।